नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेके सड़क पे उतरते रहते हैं। आज वो राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भैंस लेके आ गए हैं। इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है, बिहार सरकार है, वो पूरी तरीके से भैंस हो गई है और इनके आगे बीन बजाना कुछ भी अब नहीं होने वाला। बीन भी बजा देंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, 2019 बैच के अभ्यर्थी हैं। इनका मांग है कि बहाली हो। देखिए, अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर अपने सहयोगी से बोलेंगे कि ये तस्वीरें इधर की दिखाएं। देखिए, इधर भैंस है, भैंस पे एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, बैठे हुए हैं। बात करेंगे उनसे कि आखिरकार आज भैंस पे क्यों बैठना पड़ा, क्योंकि देखिए लगातार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भैंस पे बैठे हुए हैं। देखिए, भैंस पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम पीएचडी करके आए हुए हैं। मैं केमिस्ट्री विषय में स्टेट की परीक्षा पास किया हुआ है। सरकार एमएड मैंने कर रखा है सर। हम जाए तो कहाँ जाए, अब मम्मी पापा भी हमें गंदा नजरिया से देखने का काम करते हैं। मैं जाऊँ सातवां चरण की मांग कर रहा हूँ एसटीईटी 19 की बहाली के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकारी स्कूल में जाकर सरकारी भैंस सरकार हो गई है, सरकार हो गई है, भैंस सरकार हो गई। वादा तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। पेपर में रोज विज्ञापन आते हैं लेकिन बहालियां नहीं होती है। महोदय, हम लोग क्या करें? हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए, केवल झूठिया आश्वासन दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप संविधान यात्रा कर रहे हैं, आपका कैसा संविधान? जब राज्य की व्यवस्था को ही आप संविधान नहीं कर रहे हैं तो देखिए, भैंस पे बैठ के इनका ये विरोध प्रदर्शन है। और तमाम जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो हैं सड़क पर उतर गए हैं शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ। देखिए, ये अलग जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है वो पूरी तरीके से भैंस हो चुकी है, इसलिए आज हमें भैंस पे बैठकर बीन बजाना पड़ रहा है। लेकिन उससे कुछ असर नहीं होने जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। लगातार सड़क पर उतर के हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिहार सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। और भी अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे। क्या हुआ राजद कार्यालय के आगे हैं? हम लोग बस ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार पूरे भैंस को, पूरे बिहार को भैंस का चरवाहा बनाना चाहती है। बस हम ये संदेश देना चाहते हैं। संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ। तो शिक्षा मंत्री आप लोगों की बातें सुने कि नहीं? आप लोग बात किए थे शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री सुनता ही नहीं है, ये भैंस की तरह शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है, इसीलिए हम ये संदेश देने आए। महोदय, बीन बजा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोहब्बत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं। वो गीता और रामायण मंत्री है क्या? अब आपका पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, ये कब बोलोगे आप? हम यही कहने आए हैं। देखिए, इनका कहना है कि हम शिक्षा मंत्री को ये कहने आए हैं कि आप भैंस हो चुके हैं और बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और आज शिक्षा मंत्री को ये दबाने के लिए आए। फिलहाल इस खबर में तो बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।